सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ पुलिस मुख्यालय में हुई अभद्रता के संदर्भ में जनपद बलिया ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित पत्र सौंपा गया। आपको बताते चले कि रविवार को सुबह पुलिस मुख्यालय लखनऊ में हुए घटनाक्रम के संबंध में कवरेज करने के दौरान पत्रकार शुभम पांडे के साथ जेपीसी श्री पीयूष नोडिया द्वारा न सिर्फ लाइव कवरेज बाधित करने की कोशिश की गई बल्कि उक्त पत्रकार और कैमरामैन के साथ अभद्रता भी की गई। इस घटना को लेकर समस्त पत्रकार समुदाय में रोष है। उक्त पुलिस अधिकारी का बर्ताव न सिर्फ अमानवीय अमर्यादित है अपितु सरकार की मंशा के विपरीत भी है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी पत्रकार के लिए पत्रकारीय दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन करना दुष्कर हो गया है। पत्रकारों ने घटना का निष्पक्ष जांच कराकर उक्त अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग किए हैं, जिससे भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। प्रकाश शर्मा, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष जी, आज जिला अधिकारी के पास आप पत्र देने के लिए आए हैं, क्या मामला है? किस मामला ये है कि लखनऊ में एक पत्रकार हैं जी न्यूज के शुभम पांडे जी, जिनके साथ एक वहाँ कवरेज के दौरान आईएएस अधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया गया, अभद्रता किया गया, जिसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो आईएएस अधिकारी हैं जो अभद्रता किए हैं, इसलिए हम लोग राज्यपाल को आज पत्रक दिए हैं। अगर कार्रवाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जिले स्तर और प्रदेश स्तर पे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।